नमस्कार। राजस्थान दिवस के मौके पर आप सभी को एवन टीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्यारे राजस्थान की, एक और थार का मरुस्थल और रेत के धोरे, दूसरी ओर अरावली की पर्वत श्रृंखला जिसमें गुरु शिखर जैसी चोटी मौजूद है, और तीसरी ओर बनास, बेड़च, लूणी जैसी नदियां, तीनों प्रकृति की देन राजस्थान में है। और राजस्थान जो सबसे रंगरंगीला प्रदेश है, राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, और राजस्थान जो ऐतिहासिक विरासत का धनी है, आज हम बात करेंगे उसी राजस्थान की। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के वैभवशाली इतिहास की। भारत के इतिहास में राजस्थान के इतिहास का कितना बड़ा योगदान है, कितना गौरवशाली योगदान है, इसे बच्चा बच्चा जानता है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, भामाशाह, हमीर हट के धनी हमीर, ख्वाजा गरीब नवाज, सूफी संत, मीरा, कृष्ण की प्रेम दीवानी, इन सब के योगदान से भरा पड़ा है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान हजारों साल पुराना प्रदेश है, जिसका नाम हालांकि राजस्थान तब पड़ा जब भारत आजाद हुआ और देशी रियासतों का एकीकरण हुआ। इससे पहले इसे राजपूताना के रूप में जाना जाता था, और राजपूतों का यह इलाका कई छोटी और बड़ी रियासतों से भरा था। जहां रियासतें थी वहां युद्ध भी होते थे, जहां रियासतें थी वहां प्रेम और भक्ति भी होती थी। और उसी रियासतकालीन राजस्थान के इतिहास में कई पन्ने भरे पड़े हैं मेवाड़ के, मारवाड़ के, हाड़ौती के, शेखावटी के। पृथ्वीराज चौहान जो देश के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं, जिनकी राजधानी दिल्ली भी थी और अजमेर भी थी, जिन्होंने देश का, राजस्थान का पहला किला तारागढ़ का किला बनाया पहाड़ी के ऊपर आनंद सागर के किनारे, उन्हीं पृथ्वीराज चौहान की हम बात करना चाहते हैं। कि इतिहास में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया और 17वीं बार में पराजित हुए। कितनी बार हराया इस पर मतभेद जरूर है, लेकिन उन्होंने वीरता से मोहम्मद गोरी को हराया और भारत में प्रवेश करने से रोका। और जब वे हारे तो जिस कन्नौज के राजा जयचंद के कारण हारे, उसके पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ देने के कारण हारे, आज इतिहास में वह एक मुहावरा बन गया है। अगर किसी को गद्दार कहना हो तो लोग कहते हैं जयचंद। पृथ्वीराज चौहान उनकी बेटी सहयोगिता को लेकर आ गए थे शादी करने के लिए, इसका बदला जयचंद ने इस रूप में लिया। एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है इतिहास में कि पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा जाता है कि वो शब्द बाण चलाने में निपुण थे, यानी कि अगर आंख मूंद ले पट्टी बांध ले तो भी ध्वनि की गति, ध्वनि की आवाज का दिशा देखकर वे बाण चलाते थे और निशाने पे लगता था। यह बात इतिहास में कही जाती है कि उनके परम मित्र चंद्र बरदाई जो कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, उन्होंने मोहम्मद गोरी को कहा कि मेरे
राजा की आपने आंखें भले फोड़ दी हो पर अभी भी यह सक्षम है युद्ध करने में और यह आपकी आवाज पर बाण से बेच सकता है। मोहम्मद गोरी ने कहते हैं कि इस पर आवाज लगाई और एक प्रसिद्ध कविता है चंद बरदाई की, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और ये भी एक मुहावरा बन गया, लोग बातों में कहते हैं मत चूके चौहान, तो कहते हैं कि चौहान ने शब्द मोहम्मद गोरी की आवाज के ऊपर बाण चलाया और मोहम्मद गोरी उसे मारा गया। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर दिल्ली के अधीन हो गया, अकबर और जहांगीर वहां शासन करने लगे, वहां उनके दरबार लगते थे। दिल्ली से आकर वे ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर माथा देते थे, चौखट को चूमते थे और फिर अपना दरबार लगाते। लेकिन जो इतिहास का सबसे गौरवशाली पन्ना है वो पन्ना है महाराणा प्रताप का, हल्दीघाटी में जिन्होंने अकबर की सेना से युद्ध लड़ा और उनके घोड़े चेतक ने अपने आप को बलि चढ़ा दिया स्वामी को बचाने के लिए। चेतक का नाम इतिहास में स्वामी भक्ति के उदाहरण के रूप में लिया जाता है। महाराणा प्रताप का नाम स्वाभिमान के लिए लड़ने वालों में, आजादी के दीवानों में लिया जाता है और वीरता के लिए अगर किसी का उदाहरण देना पड़े तो लोग महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हैं। अपने मालिक के इशारों को समझने वाला था, हवाओं से बहुत तेज वो चलने वाला। भामाशाह का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने जंगल में जंगल जंगल घूम रहे महाराणा प्रताप की सेवा के लिए फिर से सेना बनाने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सब कुछ इनको समर्पित कर दिया। तो अगर दानवीर किसी को कहना हो तो कर्ण के बाद अगर दानवीर की उपाधि दी जाती है तो भामाशाह की दी जाती है। राणा सांगा जिनके 90 से ज्यादा घाव हो गए थे फिर भी वो युद्ध करते रहे, उनका इतिहास में स्थान है। हमीर जो रणथंभौर के राजा थे उनकी हट को लेकर हमीर हट एक प्रसिद्ध मुहावरा है पूरे देश के इतिहास में, वो राजस्थान की देन है। और मीरा जो कृष्ण की दीवानी थी, मीरा जिसने कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ निछावर किया, जहर का प्याला तक किया, उसकी भक्ति भी राजस्थान की दुनिया को देन। अकबर आया तो उसने, आगरा उस समय राजधानी थी और उन्होंने राजाओं से यहाँ पर छल बल से लोगों को अपनी तरफ मिलाया और जैसे जयपुर के राजाओं को मानते हैं कि सबसे पहले ये राजा मान सिंह, भगवान दास और ये इनके वैवाहिक संबंध हुए और इस तरह से इनको मिला करके और वो अपना अपना वर्चस्व उसमें कायम किया। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप के और उनके बीच में, उसमें भी वो युद्ध तो निर्णायक नहीं था। राजस्थान की जो अद्भुत देन है उसमें महिलाओं की वीरता प्रमुख है। यहां मैं पद्मिनी के जौहर और पन्ना अध्याय के त्याग का जिक्र करना चाहता हूं। जब युद्ध में मेवाड़ के वीर योद्धा जा रहे थे और पता नहीं था कि वे लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, तो तीन बार ऐसा हुआ, चित्तौड़ के किले में शाका हुआ और जब युद्ध करने गए तो पीछे विदेशियों के आक्रमणकारियों के हाथों ना पड़ जाएं, इसलिए ललनाओं ने अग्नि में प्रवेश करके जौहर किया था सैकड़ों रानियों ने एक साथ। इसका उदाहरण इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। जौहर राजस्थान की ऐसी परंपरा है जिसको नमन करने के लिए आज भी चित्तौड़ के किले में हर साल जौहर का मेला लगता है। और पन्ना धाय जिसने अपने राणा के वंशज को, राणा के कुलदीपक को बचाने के लिए, एक हत्यारे और गद्दार की तलवार से बचाने के लिए अपने बेटे को उसकी जगह सुला दिया और अपनी आंखों से अपने बेटे का कत्ल होते हुए देखा और राणा के वंशज उदय सिंह को वहां से टोकरी से निकालकर बाहर ले गई और पाल पोस कर बड़ा किया, जो बाद में महाराणा उदय सिंह बने। ये दो ऐसे उदाहरण हैं जिनको फख्र के साथ मेवाड़ की, राजस्थान की ललनाओं की वीरता के जिक्र के साथ सब लोग उनका नाम लेते हैं। मीरा का जहां तक जिक्र है, इतिहास में धर्म की, भक्ति की, कृष्ण की, प्रेम की, इससे बड़ी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। वे रानी थी लेकिन कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि मारे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और राणा ने जहर का प्याला भेजा तो उसे पी लिया ऐसा कहते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा।
मेड़ता की बेटी और मेवाड़ की रानी मीरा की यह भक्ति अद्भुत प्रतीक है कृष्ण के प्रति प्रेम का। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज, उनका जिक्र किए बिना अधूरा रहेगा इतिहास। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज, जिनका उर्स हर साल मनाया जाता है, 800 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था, अजमेर की दरगाह जहां आज स्थित है वहां पर। उन्होंने यहां आकर सूफिज्म का उपदेश दिया और उनकी बड़ी फॉलोइंग हो गई और अकबर और जहांगीर और सारे दिल्ली के शासक बाद में उनकी चौखट को चूमने पैदल चलकर अजमेर आते थे और कहते हैं कि अकबर ने उनकी चौखट पर औलाद की उम्मीद मांगी थी, औलाद की बख्शीश मांगी थी और जब उनको संतान हुई तो वे पैदल चलकर आए और उनकी उस यात्रा की याद में ही जगह जगह कोस मीनार आप बने दिल्ली से अजमेर के बीच रास्ते में देखते हैं। तो उस कोस मीनार उस यात्रा की प्रतीक है। जब अकबर अजमेर आए उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को चूमा और अपना मत्था टेका इस बात के लिए कि उन्हें औलाद की प्राप्ति हुई। तो अजमेर के इस ऐतिहासिक महत्व के साथ, राजस्थान के इस ऐतिहासिक महत्व के साथ एक पौराणिक महत्व भी जुड़ा हुआ है पुष्कर का, जिसका जिक्र अगर न करें तो राजस्थान की विरासत और राजस्थान के अतीत के बारे में बात अधूरी रहेगी। कहते हैं ब्रह्मा ने जब यज्ञ किया था तो उनका जो पुष्प पड़ा था पुष्कर में, वहां पर एक खड्डा हो गया और वहां एक झील बनी जिसे पुष्कर झील कहते हैं और उसे तीर्थराज कहा जाता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है जहां लोग कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करते हैं। और वहीं पर पास में गायत्री मंदिर है जो ब्रह्मा जी की पत्नी का मंदिर कहा जाता है, जो पहाड़ी पर उठकर जा बैठी थी और उसके बाद में उनकी प्रतिमा को बैठाकर ब्रह्मा जी ने अपना यज्ञ पूरा किया था। तो पौराणिक ऐतिहासिक महत्व से भरा ये राजस्थान, हम सब इसके गौरव के लिए अभिमान रखते हैं, इसके गौरवशाली इतिहास के प्रति और उन योद्धाओं के प्रति और उन महान विभूतियों के प्रति नतमस्तक होते हैं जिनकी वजह से आज हम कह सकते हैं मारो प्यारो राजस्थान। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कहानी की, इतिहास को हमने देखा और इतिहास के अब हम उस पन्ने की तरफ जा रहे हैं जहां पर दास्ता की शुरुआत है, देश की दास्ता की शुरुआत है। ये एक काला पन्ना है, काला अध्याय है, लेकिन इसकी शुरुआत राजस्थान से ही हुई थी। अजमेर में जहांगीर का दरबार लगा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे सर टॉमस रो ने यहीं पर सबसे पहले हाजिर होकर भारत में प्रवेश करने की और व्यापार करने की इजाजत मांगी थी और यहीं पर जहांगीर ने उन्हें भारत में व्यापार करने की इजाजत दी थी। इसी प्रवेश के जरिए अंग्रेज भारत में घुसे, इसी इजाजत के जरिए अंग्रेज भारत में घुसे और धीरे धीरे फैलते चले गए और देश में शुरुआत हुई गुलामी के काले अध्याय की। तो यहीं से शुरुआत हुई थी देश के उस काले अध्याय की, लेकिन उस काले धब्बे को मिटाने का प्रयास भी, यत्न भी सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ। नसीराबाद की सैनिक छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया, बगावत की और उसके बाद ही पूरे देश में 1857 का गदर हुआ। तो नसीराबाद की छावनी और उसके सैनिकों का विद्रोह उस कलंक को धोने का प्रयास था जो सर टॉमस रो को इजाजत मिलने की वजह से अजमेर पर लगा था। आजादी की लड़ाई में राजस्थान का योगदान कोई कम नहीं था। बिजोलिया का किसान आंदोलन, जहां विजय सिंह पथिक ने जबरदस्त आंदोलन करके जो लागवाग लगता था अंग्रेजों के माध्यम से राजा वसूल करते थे, उससे मुक्ति पाई और इस सफल आंदोलन को लेकर जब गांधी जी के पास बिजोलिया किसान पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन के नेता कहे जाते हैं। बिजोलिया आंदोलन में क्या जागीरदारों के क्या लागबाग लगती थी, किसानों से काम लेते थे, वो उनका लगान तो लेते ही थे, बाकी जो काम लेते थे उसकी मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, ये स्थिति थी। तो वहाँ बिजोलिया में आंदोलन हुआ, जबरदस्त आंदोलन, और उसमें वहाँ के जागीरदार के और इनके आंदोलनकारियों के बीच में समझौता हुआ और ये लागबाग बंद करने के लिए बहुत अच्छी कार्रवाई की गई। और ये जब आंदोलन करने के बाद में विजय सिंह पथिक किसानों के साथ में वहाँ गए गांधी जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा, गांधी जी से कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, ये बिजोलिया के किसान आए हैं, इनको आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो गांधी जी ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूँ, बिजोलिया के किसान तो
मुझे मुझे सिखाने के लिए आए हैं, ये तो जीत करके आए हैं। बिजोला आंदोलन के अलावा बारठ बंधुओं का बलिदान और अजमेर में खास तौर पर क्रांतिकारियों का अड्डा जिस तरह बना और अर्जुन लाल सेठी और दूसरे क्रांतिकारियों ने जिस तरह राजस्थान को अपनी भूमि बनाया, कर्मस्थली बनाया, चंद्रशेखर आजाद जयपुर में रहे छुपकर और यहाँ इन्होंने तैयारी की, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि राजस्थान ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो गरम दल की आज़ादी की लड़ाई हो चाहे नरम दल की आज़ादी की लड़ाई हो। खुद महात्मा गांधी भी चलकर राजस्थान आए थे। आपको ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में पहला क्रांतिकारियों का विद्यालय जयपुर में खोला था, वो अर्जुन लाल सेठी ने खोला था, जिस समय तक कि शांति निकेतन की और मैं काशी विद्यापीठ की कल्पना भी नहीं की गई थी, उस समय जयपुर में उन्होंने क्रांतिकारियों का विद्यालय खोला था और उनके विद्यालय से पढ़ करके गए हुए लोगों को फांसी तक हुई। बाद में अब आप कितने महान व्यक्ति हुए हैं राजस्थान में आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों में, उसमें अर्जुन लाल सेठी का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो जयपुर से उनका सीधा संबंध था और बाद में अजमेर चले गए थे। जयपुर में जब वो ग्रेजुएट होकर के आए तो पहले जैन समाज के ग्रेजुएट थे, तो उनको महाराजा ने प्रधानमंत्री पद ऑफर की तो उन्होंने ये कह के उसको ठुकरा दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन करेगा। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले राजस्थान के रणबांकुरे बहुत से थे, उनकी सबकी बात कहना, सबकी कहानी कहना इस कार्यक्रम में संभव नहीं है, लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई जीत ली गई तब इतने सारी रियासतों में बटा राजस्थान, इसे एक करना, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। राजपूताना में जो अहंकार की लड़ाई थी राजपूतों के बीच, राजाओं के बीच, बड़े और छोटे होने का अहम जो था वो आड़े आ रहा था, किस तरह राजस्थान को एक किया गया और किस तरह से एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई बनाया गया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान के इतिहास को हमने देखा, आज़ादी की लड़ाई में राजस्थान के योगदान को हमने देखा, और अब बात करेंगे कैसे राजस्थान राजस्थान बना, कैसे राजपूताना राजस्थान बना, छोटी मोटी देशी रियासतों को एक करके पूरा राजस्थान बनाया गया और कई टुकड़ों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। आज़ादी के बाद एक निर्णय लिया गया था कि जो 540, 41, 42 जितने भी छोटे छोटे राज्य थे इनको छोड़ा जाए अलग से या इनका विलय किया जाए, और 1948 तक होते होते ये निर्णय लिया गया कि छोटों को, जो छोटे छोटे थे स्वतंत्र जैसे पहले रहे हुए लेकिन बाद में भारत के ही अंग थे, इनका विलय किया जाए। अच्छा, उस दौरान जो राजस्थान में मत्स्य यूनियन बना उसकी बात होती है, अलवर भरतपुर किस तरह से, और इसी तरह मेवाड़ की तरफ जो छोटे राज्य थे वो मेवाड़ में उनका विलय हुआ, लेकिन कुछ परिस्थिति इस तरह से थी और समझ भी लोगों की ये बैठी कि छोटे राज्यों के बजाय बड़ा राज्य ज़्यादा अच्छा रहता है, तो जो प्रदेश बनने वाला था तब नाम भी नहीं था लेकिन एक से दो, दो से तीन, तीन से जब तक चौथे कड़ी पर आए तो ये फैसला किया गया कि इन सब का एक प्रदेश बनाया जाए। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि उदयपुर और जयपुर दोनों के राजघराने साथ कैसे बैठे। उदयपुर यानी मेवाड़ वो राजघराना था जिसने अकबर से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया, सारा इतिहास मुगलों से, दिल्ली की सल्तनत से लड़ाई का इतिहास था, और जयपुर का राजदरबार जिसने अकबर से संधि की, उनके दरबार में जाकर हाजिर हुए, उनके नुमाइंदे बने, उनके मनसबदार बने, सिपहसालार बने और उनके साथ दोस्ती करके यहाँ विकास किया। तो अकबर के साथ या मुगलों के साथ रहने वाले और मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले एक कैसे होते, यह सिर्फ सरदार पटेल के चातुर्य का कमाल था जिसकी वजह से साथ हो पाए। जब जयपुर के राजा को राजप्रमुख की उपाधि दी गई, खुद सरदार पटेल उस शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, तो उदयपुर के महाराणा को महाराज प्रमुख कहा गया, उनको यह पद दिया गया ताकि वो इस बात से संतुष्ट हों कि हम योद्धा हैं, बांकुरे हैं, लड़े हैं आज़ादी के लिए, राजस्थान का इतिहास हमारी कुर्बानी से, हमारे बलिदान से भरा हुआ है, हमें छोटा करके ना आंका जाए। तो उनको महाराज प्रमुख कहा गया और कोटा के महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। कई चरणों में राजस्थान बना और जब बृहत राजस्थान बना
उस समय ये राजस्थान जयपुर में 30 मार्च 1949 को विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ है, और उस समय हम इस यहाँ के सिटी पैलेस के दरबार हॉल में फंक्शन हुआ, समारोह हुआ, उसमें जयपुर के महाराजा मानसिंह जी को राजप्रमुख की पद शपथ दिलाई गई, कोटा के महाराव को उपराज प्रमुख की, और उदयपुर, क्योंकि उदयपुर का इतिहास में बड़ा स्थान रहा है, उदयपुर के महाराणा को, उस समय भूपाल सिंह जी थे, उनको महाराज प्रमुख का पद दिया गया। पर ये मजेदार बात आप ये देखिए कि राजस्थान के महाराज प्रमुख कभी जयपुर में नहीं आए। इस तरह शपथ ग्रहण के साथ राजस्थान के विकास की यात्रा शुरू हुई, राजस्थान के बनने की यात्रा शुरू हुई। जयपुर के दरबार में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसका एक निमंत्रण पत्र जयपुर के दीवान ए खास की तरफ से जारी किया गया। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह उस वक्त शपथ ग्रहण के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया, और न केवल राजप्रमुख का शपथ ग्रहण हुआ बल्कि हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कुछ विवाद हुआ कांग्रेस में, बहुत सारे कांग्रेसी असंतुष्ट थे, उठकर चले गए, बायकॉट किया, लेकिन राजस्थान का निर्माण यहीं से शुरू हुआ, यहीं से राजपूताना राजस्थान बना और राजस्थान कहला एक भौगोलिक और पॉलिटिकल इकाई के रूप में। राजस्थान बनने लगा, लेकिन इस मध्य प्रदेश का विलय बड़ी मुश्किल से हुआ। जोधपुर के राजदरबार एक बार तो पाकिस्तान के साथ मिलने की सोच बैठे, उन्हें किस तरह सरदार पटेल ने दिल्ली बुलाकर और सख्ती के साथ पेश आकर भारत में और राजस्थान में विलय के लिए मजबूर किया। और सबसे बड़ी बात जो शायद नई पीढ़ी को पता भी ना हो और सोच भी नहीं सकते कि अजमेर उस समय एक अलग राज्य था, अजमेर वेरवाड़ा करके जो सेंट्रली स्टेट थी, जो सीधे अकबर जिसको गवर्न करता था, सीधे अंग्रेज दिल्ली से गवर्न करते थे, वहाँ का कोई राजा नहीं था पृथ्वीराज चौहान के बाद, उसे सेंट्रल स्टेट के रूप में रखा गया। वहाँ अलग असेंबली थी, अलग मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय, और अलग मंत्रिमंडल था, और 1956 में जाकर अजमेर राजस्थान में विलीन हुआ। एक राव कमेटी आई जिसकी सिफारिश हुई कि एजुकेशन का बोर्ड अजमेर में रहेगा, RPSC का बोर्ड अजमेर में रहेगा, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में रहेगा, और आयुर्वेद का डायरेक्टरेट वहाँ रहेगा। ऐसी बहुत सारी सिफारिशें करके ये तय किया गया कि अजमेर को पूरा महत्व दिया जाएगा। तभी अजमेर के लोगों ने राजस्थान में अपने विलय को स्वीकार किया और वहाँ की असेंबली को यहाँ जोड़ दिया गया राजस्थान असेंबली के साथ, और वहाँ के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्रियों को राजस्थान में मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। इसके साथ ही एक और घटना हुई कि सरदार पटेल चाहते थे माउंट आबू और आबू रोड जो इलाका है उसको गुजरात में मिलाना। वो बिल्कुल बॉर्डर पर है गुजरात और राजस्थान के, वहाँ गुजराती भी बोलते हैं लोग, और राजस्थान के लोग तो हैं ही, संस्कृति राजस्थान की है। तो उस समय गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही दरबार के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने अनशन करने की धमकी दी, दबाव डाला और एक तरह से संकेत दिए विद्रोह करने के, तब जाकर आबू रोड और माउंट आबू दोनों को राजस्थान का हिस्सा माना गया, उसमें शामिल किया गया। तो शने शने कई चरणों में राजस्थान बना, फाइनली 1956 में अजमेर के विलय के साथ ही राजस्थान जिस रूप में हम आज देखते हैं उस रूप में कंप्लीट होकर हमारे सामने आया। राजस्थान बनने के साथ ही विकास यात्रा शुरू हुई और कई आम चुनाव हुए। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और उसके बाद लगातार अब तक चुनाव हो रहे हैं, हर 5 साल बाद, और कभी सरकार गिर जाए तो मध्यावधि चुनाव होता है। सबसे ज़्यादा राज किया मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 साल। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी कई कई बार यहाँ पर राज कर चुके हैं। तो कई मुख्यमंत्री आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पर विकास यात्रा को गति दी, उनको दिशा दी और राजस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा
कि राजस्थान का विकास राजस्थान में तो हुआ ही है, लेकिन राजस्थानियों ने जो देश का विकास किया है, बिरला, बांगर, डालमिया, गोयनका, ऐसे घराने जो पूरे देश में एक समय देश के जो 15 या 20 शीर्षस्थ उद्योगपति होते थे उनमें 8-10 राजस्थान के होते थे और पूरे देश की इकोनॉमी पर राजस्थानियों का कब्जा था, तो वो सारे जो है राजस्थान से निकल कर गए, कोई झुंझुनू से, कोई पिलानी से, कोई सीकर से, कोई बीकाणा से, और यहाँ से जाकर उन्होंने पूरे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, औद्योगिकरण किया, कलकत्ता में, मद्रास में, चेन्नई में, मुंबई में, जगह जगह जो उद्योगपति हैं आज उनमें अधिकांश राजस्थान के लोग हैं। तो राजस्थान के विकास का जो जिम्मा राजस्थान के लोगों ने उठाया, देश के विकास का जिम्मा भी राजस्थान के लोगों ने उठाया, और बहुत बड़े उद्योगपति घराने राजस्थान से निकले हुए हैं। इस बात पर भी राजस्थान के लोगों को फख्र है कि हमारे धरती पुत्रों ने जाकर पूरे देश में अपना परचम फहराया है। राजस्थान की इस विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है पंचायती राज की स्थापना। पूरे देश में पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राजस्थान के बिल्कुल हृदय स्थल नागौर में जाकर उन्होंने पंचायती राज का दीप जलाया था और दीप जलाकर पूरे देश में पंचायती राज परंपरा की, पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत हुई थी। यह भी एक देन है जिसका राजस्थान के जरिए पूरे देश को लाभ मिला। एक और जिक्र हमें करना होगा पोखरण के परमाणु विस्फोट का। पोखरण का परमाणु विस्फोट जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, उसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में आया, और इस बात का सौभाग्य राजस्थान को मिला कि हमारी ही सरजमी पर वो विस्फोट हुआ, वो परीक्षण हुआ। दो लड़ाइयां हुई, 1971 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, और हमारे जांबाज योद्धाओं ने राजस्थान की सीमा पर जिस तरह पैटन टैंक की कब्रगाह बनाई, जिस तरह युद्ध लड़ा, आज भी लोग उस युद्ध को याद करते हैं पुराने लोग तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस जांबाजी में राजस्थान के सिपाहियों का, राजस्थान के योद्धाओं का अभूतपूर्ण योगदान रहा, और राजस्थान के झुंझुनू जिले के लोग पूरे देश में अगर किसी जिले से सबसे ज़्यादा सैनिक हैं तो वो झुंझुनू जिला है, राजस्थान का जिला है, और सबसे ज़्यादा शहीद अगर किसी एक जिले से हुए हैं भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में, तो वो श्रेय भी झुंझुनू जिले को जाता है। और राजस्थान का हर नागरिक इस बात पर गर्व कर सकता है कि देश की रक्षा में चाहे हजारों साल, सैकड़ों साल पहले संकटों देश पर, और चाहे आज संकटों देश पर, राजस्थान की योद्धा, राजस्थान के रणबांकुरे अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और अपने आप को न्यौछावर करने में कहीं पीछे नहीं रहते। राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की रंग रंगीली संस्कृति, अगर घूमर, गणगौर, तीज त्यौहार का जिक्र ना करें तो राजस्थान का जिक्र अधूरा रहेगा। ऐसी मिठास बोली में, ऐसे गीत, ऐसे नृत्य, लोक नृत्य और राजस्थानी कल्चर, रंग रंगीली बिल्कुल जिस तरह की गाँव की कल्चर है, गाँव की संस्कृति है, ऐसी विविधता और मीठापन बहुत कम देखने को मिलता है। राजस्थान की यह देन, एक तरफ वीरता शौर्य, एक तरफ अद्भुत उद्यमशीलता, आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने की क्षमता, एक तरफ बोली का मिठास, नृत्य, रंग रंगीलो राजस्थान, ये विविध रंग हैं राजस्थान के। सैकड़ों सालों से इसी तरह हम आगे बढ़ते आए हैं। उम्मीद करते हैं अपने समूचे वैभव के साथ, अपनी समूची विरासत के साथ, अपने विविध रंगों के साथ, हम इसी तरह हर साल राजस्थान दिवस मनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।